स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो जानेंगे कि हम अपने घर बैठे क्या अपनी राशन कार्ड की केवाईसी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन कैफे चलाते हैं, छोटा मोटा कोई कंप्यूटर का दुकान चलाते हैं, तो ये वीडियो तो बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, आपको तो बिल्कुल से ध्यान से इसे देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर तीन स्टेप बताऊंगा। जो लास्ट वाला है वो ऑफलाइन तरीका है, और जो दो तरीके हैं वो ऑनलाइन तरीके बताऊंगा। जो पहला तरीका रहेगा वो सिर्फ सीएससी बीएलई लोगों के लिए है, और जो बाकी दूसरा तरीका रहेगा वो कोई भी एक आम इंसान भी घर बैठे अपना कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और सारे स्टेप एकदम ध्यान से सुनना होगा और उसको फॉलो करना होगा एज इट इज, तभी आप जाके अपना केवाईसी डन कर पाओगे। अन्यथा आप कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई एरर आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ आपने जो वीडियो बनाई भाई वो काम नहीं करता। पहला नंबर का इसमें ये है ऑप्शन कि देखिए आपको करना कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप एक सीएससी वेली है तो आपको एक ई डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। ठीक है, सहज का है या वयम का है या फिर सीएससी का ही लॉगिन है, वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपके पास है ई डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन, बस इतना डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाना अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे, और ई डिस्ट्रिक्ट के साइट पे जहाँ से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, राशन कार्ड वाले सेक्शन में ही जाना है, जहाँ से राशन कार्ड के न्यू राशन कार्ड, पुराने राशन कार्ड बनाने का या यूनिट ऐड करने का ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे सबसे आएंगे तो वहां पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए देखिए, राशन कार्ड सीडिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सीडिंग पे ओके करना है। एज इट इज आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, वहां पे सबके नाम शो हो जाएंगे, जिनके आगे सीडेड नहीं लिखा है उनका केवाईसी नहीं हुआ है, तो बस आपको सीडेड वाले ऑप्शन पे ओके करना है। नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, तो आप जिसका भी सीड करेंगे उसके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, ऑथराइज के लिए वहां आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे, डन करेंगे, आपका काम खत्म, बस आपको इसको लॉक करके और फाइनल प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर टू की इसमें बात कर लेते हैं, जो घर बैठे कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, ये भी 100% वर्क करता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। माई राशन कार्ड करके एक ऐप आता है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे देखिए राशन कार्ड सीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर जाना है, अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। जस्ट जैसे आप डालेंगे, इसमें डालने के बाद तुरंत वैसे ही लिस्ट खुल के आ जाएगी, जितने लोग का राशन कार्ड के अंदर नाम है उन सभी का नाम लिख के आ जाएगा, और प्लस उनका आधार कार्ड का डिटेल और एज भी लिख के आ जाएगा। बस आपको इसमें देखना है, जिसपे भी सीडेड नहीं लिखा हुआ है आपको उस पर ओके करना है, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और उसको एंटर कर देना है, यहाँ से सीडेड हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। अगर ये दोनों प्रोसेस करने में आप कैपेबल नहीं हो, जैसे कि आप नजदीकी सीएससी सेंटर पे नहीं जा सकते हो, या फिर अपने हाथ से भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास इतनी जानकारी नहीं है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप अपने अपनी नजदीकी जो राशन कार्ड की दुकान है वहां पे जाना है और उनको बोलना है आप हमारा केवाईसी कर दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ केस में आपसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, 10-20-50 तक की लेते हैं, लेकिन आपका काम तुरंत हो जाता है, तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब अब चलता ही, इतना तो नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको अपना पैसा देना है और करवा लेना है, नहीं तो ऐसा नॉर्मल में भी बहुत जगह करते हैं, प्रधान वगैरह भी गांव-गांव जाके करवाते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, एक बार वो जाके आपका करवा देंगे, आप वहां से आपका सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो वहां पे आपको रूबरू जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां मशीन पे फिर बायोमेट्रिक होती है। सीएससी के पास अभी केवाईसी का कोई बायोमेट्रिक करने का सिस्टम नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी नंबर लिंक वाला होता है और माई राशन वाले ऐप से भी होता है, बायोमेट्रिक का सिस्टम सिर्फ राशन कार्ड दुकानदारों को दिया गया है। ठीक है, आप वहां से अपना करवा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।